हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे, चिरेन ने सिचेन से कहा था, तुम इतना चिंता मत करो, थोड़ा सा टाइम दो, वांगजी ठीक हो जाएगा। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। चैंगलिन डेमन किंगडम में वापस आ गया और वो सब खाना और अल्कोहल विंग के हाथों थमा दिया। और हर बार की तरह विंग वो सब देखते ही बहुत खुश हो गया। लेकिन फिर उसने घूम के पूछा, तुम्हारे उस इंसानी दोस्त ने तुम्हें यह दिया है? किंग ने कहा, हाँ। विंग ने फिर पूछा, तुम हर साल ये सब लेके क्यों आते हो? वो बेचारा अपने प्यार के लिए ये सब भेजता है और तुम लेके चले आते हो, जबकि तुम्हें पता है तुम्हारे किंगडम में उसका प्यार का सोल नहीं है, तब क्यों लेके आते हो? चैंगलिन ने कहा, किसे पता उसके प्यार का सोल मेरे किंगडम में है या नहीं। वैसे भी वो मुझे दोस्त जान के ये सब देता है और मेरे दोस्त लोगों के लिए भी देता है, और वो फिर मेरा दोस्त भी है, तो मैं कैसे मेरे दोस्त को मना करूं और क्यों मना करूं? तुम अपना बकवास बंद करो, वो जब सबके लिए देता है तो तुम सिर्फ मुझे क्यों देते हो? सबको दो, विंग ने कहा। फिर किंग ने कहा, क्योंकि मेरा दोस्त सिर्फ तुम ही हो, तुम्हें पता नहीं है? विंग ने कहा, हाँ हाँ पता है, लेकिन तुम्हारा प्यार है ना, तुम्हारे लवर को दो, उसे क्यों नहीं देते हो? किंग ने कहा, अरे वो ये सब उसके प्यार के लिए देता है, उसके लवर के लिए, और मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे देता है और मेरे दोस्त के लिए देता है, तो मैं उसका खाना मेरे लवर को क्यों दूँ? मेरे प्यार को मैं मेरा खाना खिलाऊंगी ना, मैं अपने हाथों से प्यार से खिलाऊंगी ना। छोड़ो ये सब बातें, चलो खाना खाओ तुम। विंग ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे साथ तुम्हें भी खाना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना मुझे अकेला खाना खाना पसंद नहीं है, और मुझे तुम्हारे दोस्त के साथ क्या क्या बातें हुआ है तुम्हारा, वो भी जानना है, वो भी सुनना है, बताओगे ना तुम? चैंगलिन ने कहा, ओके, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, चलो ओके हम लोग खाना खाते हैं। जानते हो आज उसके साथ मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हुआ है। विंग ने कहा, सच में? जल्दी बोलो, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, किस बारे में बताया वो? किंग इरेटेड वॉइस में बोला, ओ बैबुशन, तुम हमेशा जल्दी में रहते हो, किस बात का इतना जल्दी है तुम्हें? विंग ने कहा, तुम नखरे करना बंद करो, पहले बताओ वो किस बारे में बताया है तुम्हें? चैंगलिन हंसते हुए कहा, किस बारे में नहीं, किस के बारे में बताया है, उसका फर्स्ट किस के बारे में। विंग ये सुनते ही एक्साइटेड हो गया और वो कहने लगा, सच में ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चैंगलिन विंग का एक्साइटेड चेहरा देख के पूछा, पहले तुम मुझे बताओ, तुमने कभी किसी से किस किया है? मैं तो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से जब भी मिलता हूँ तब भी उसे किस करता हूँ। नहीं, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया। लेकिन बोलते ही विंग चुप हो गया। किंग ने कहा, लेकिन क्या, आगे बोलो। विंग ने कहा, मैंने तो नहीं किया था, लेकिन मुझे किसी ने किस किया था एक बार। ये सुन के चैंगलिन भी बहुत एक्साइटेड हो गया और वो कहने लगा, सच में? बताओ उसके बाद क्या हुआ, किसने तुम्हें किस किया था? विंग अपना नज़र झुका के साइली बोलने लगा, तुम मेरे बारे में क्यों सुनना चाहते हो, हम लोग तो यहाँ तुम्हारे नए दोस्त के बारे में बात कर रहे थे ना। चैंगलिन नोटी मुस्कान के साथ कहा, अरे उसका बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा बात मैं नहीं जानता, और तुम मेरा पहला दोस्त हो, तुम्हारे बारे में जानना मेरा जरूरी है ना, तो इसलिए पहले तुम अपना बात बताओगे, फिर मैं तुम्हें मेरे दोस्त के बारे में बात बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर हंसना मत, ओके? विंग ने कहा। किंग ने कहा, ठीक है मैं नहीं हंसूंगा, लेकिन वो पूरी तरह से मन में हंस रहा था। विंग ने कहा, मैं जब जिंदा था तो मैं अपने सीजिया और जंगशा के साथ जिंगलिन थाई पे गया था, और वहाँ पे एक हंट प्रतियोगिता में मैं पार्ट लिया था। मैं आंखों में पट्टी बांध के हंट पे चला गया था, लेकिन मैंने हंट नहीं किया। मैं चाहता था सब लोग हंट कर ले, उसके बाद मैं हंट करूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत आसान था। मैं अकेला शांति से जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपना फ्लूट निकाल के बजाने लगा। तभी मैं किसी का कदमों का आवाज़ सुना मेरे नज़दीक आते हुए। मैं अपना फ्लूट बजाना बंद किया और पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया तो मैं उसे बोला, मैं यहाँ पे पहले आया हूँ,
तो तुम्हें कोई दूसरा जगह ढूंढ लेना चाहिए हांट के लिए। वो फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो मेरे पास आ गया, मेरे दोनों हाथों को टाइटली पकड़ के मुझे खड़ा किया और पैर पे पुश करके मेरे दोनों हाथों को ऊपर ऊपर करके टाई कर दिया और मुझे किस करने लगा। पहले एग्रेसिव और पैशनेटली किस करने लग गया था मुझे, और फिर कुछ देर बाद एक सॉफ्ट सा छोटा सा किस करके मेरे हाथों पे वो चला गया। वो किस मेरे ज़िंदगी का फर्स्ट और लास्ट किस था। ये सुन के चैंगलिन एक साथ क्वेश्चनों का बारिश कर दिया वेविशन के ऊपर। सच में कौन किया था तुम्हें वो किस? तुम्हें अच्छा लगा था वो किस? देखो, और तुम हमेशा बोलते रहते हो कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। विंग सैडली मुस्कुरा के बोलने लगा, मुझे पता नहीं वो कौन था क्योंकि मेरा आँख बंद था और जब मैं आँख खोला तो वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगता था वो मेरा फ्रेंड लंजा था। चैंगलिन ये सुन के मन में सोचने लगा, विंग को लगता है कि लैनवांग जी उसे किस किया है, लेकिन उसे कैसे ये लगता है, कैसे पता? फिर पूछा कि तुम्हारे आँख में पट्टी बंधा था तो तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड लंजा है? जैसे कि तुम्हें पता है मेरा आँख बंद था, मेरा कान नहीं, तो मुझे पता चल गया कोई मेरे तरफ आ रहा है। वैसे मेरा नाक भी बंद नहीं था, तो वो जब मेरे पास आया तो उसका सैंडलवुड सेंट मुझे लंजा का याद दिला रहा था। चैंगलिन ने कहा, सैंडलवुड स्मेल तुम्हें वहाँ पर मिला था? लेकिन वो तो किसी का भी हो सकता है ना, सिर्फ उस तुम्हारे दोस्त का ही क्यों? और तुम्हें जब पता चला वो है तो तुम कुछ किए क्यों नहीं? विंग ने कहा, अरे मुझे पता नहीं चला, मुझे बस लगा था वो कोई और भी हो सकता है, और जब बात लंजा का आता है तो शक करना बहुत मुश्किल होता है। वो इतना कोल्ड है और इतना स्टबन है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो मुझे किस कर सकता है, और फिर वो भी एक लड़का है, मैं भी एक लड़का हूँ, वो कैसे ऐसा करेगा? और जब मैं अपना आँखों से पट्टी खोला तो मैं देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। मैं चारों तरफ ढूँढा तो मुझे कोई नहीं मिला। मैं आगे आया तो देखा कुछ पेड़ के नीचे लंजा खड़ा था और बहुत गुस्से में था। वो अपना हाथ मार रहा था पेड़ पे। उसका गुस्सा देख के मैं समझ गया वो इंसान लंजा नहीं हो सकता। चैंगलिन ने पूछा, अच्छा ठीक है तुम्हारा दोस्त वो नहीं है, लेकिन तुम तो पूछ सकते थे ना, जो तुम्हें किस किया था वो तुम्हें प्यार करता होगा, तभी ना तुम्हें किस किया था, और वो तुम्हारा फ्रेंड हो भी सकता था, तुम क्यों नहीं पूछे? विंग ने कहा, नहीं, वो इंसान अगर लंजा भी होता तब भी मैं नहीं पूछता। चैंगलिन ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि पहली बात हम दोनों ही लड़के हैं, दूसरी बात वो एक अच्छे फैमिली से है और एक अच्छे कल्टिवेटर है, और तीसरा है मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं जंग फैमिली का एडोप्टेड सन था, मेरे पास मेरा गोल्डन कोर भी नहीं था, और फिर मैं डार्क एनर्जी का यूज़ करता था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद इसलिए ही वो मुझे बहुत नफरत करता था। अगर फिर भी बात प्यार की आए तो मैं मना ही करता, क्योंकि मैं उसका ज़िंदगी ख़राब बनाना नहीं चाहता था। मेरे नाम के साथ उसका नाम जुड़ने से उसके नाम पे बहुत ज़्यादा दाग लग जाता और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। चैंगलिन ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम जो भी किए हो वो सब ठीक किए हो। अब खाना ख़त्म हो गया, अल्कोहल भी नहीं है, काम भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो मैं चलता हूँ। ये बोलते ही एक नोटी मुस्कान के साथ किंग गायब हो गया। पर चला गया? वो तो उसके दोस्त के बारे में मुझे बताने वाला था ना, और मेरा कहानी सुन के चला गया। ठीक है, अब से मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। विंग गुस्सा होकर अपने आप ही बड़बड़ाने लगा। चैंगलिन अपने महल के अंदर जाके सिंहासन पे बैठा और अपने आप ही बोलने लगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों दोनों से ही प्यार करते हैं लेकिन कोई किसी को बताता नहीं है। तो गाइस, आज मैं अपना एक्सप्लेन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलूंगी नया पार्ट लेके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक्स कमेंट शेयर सारे वांगशन फैन के साथ। तो आज मैं चलती हूँ, बाय बाय।